भाई लोग आदि पुरुष का टीजर आ चुका है और उसे देखने के बाद मुझे लगा कि क्या ये बच्चों के लिए तो नहीं ना बना रहे हो। जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे लगा कि भाई मेरे चश्मे का ही नंबर बढ़ गया होगा, मगर मैंने ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि भाई मैंने बचपन में याद है तो एक मूवी आया करती थी टुनटुनपुर का सुपर हीरो। जोक्स अपार्ट, आदि पुरुष बेसिकली रामायण के ऊपर बेस्ड होने वाली, रामायण अपने आप में एक बहुत ही बड़ी कहानी है। इस मूवी को कम से कम नहीं तो दो पार्ट में होना चाहिए। और भाई कहानी तो तुम्हारे पास तो रेडी है ना भाई पहले से कि तुम इस मूवी को भाई कहानी के हिसाब से बनाओगे, जिसमें श्री राम का रोल भाई प्रभास निभा रहे हैं और सीता माता का रोल भाई कृति सेनन और रावण का रोल सैफ अली खान। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी कास्टिंग थी, मगर जब तक लोगों ने इस मूवी का टीजर नहीं देखा था तब तक उन्हें लग रहा था कि ये मूवी बहुत ही ज्यादा ग्रैंड लेवल होने वाली है, क्योंकि रामायण खुद में ही बहुत ही बड़ी कहानी है। लोगों के अंदर से भाई इमोशंस झलक रहा होगा कि ये मूवी तो अच्छी होनी चाहिए। ओम रावत जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है वो एक्चुअली में भाई तानाजी दी अनसंग वॉरियर के भी डायरेक्टर है, तो तुम समझ सकते हो कि क्या ही अच्छी बवाल मूवीज उन्होंने बनाई है। तो लोगों के मन में उम्मीद तो बढ़ ही जाती है और लोगों के मन में ये उम्मीद बहुत ही ज्यादा ही अच्छी थी कि भाई आदि पुरुष एक अच्छी मूवी होने वाली है, क्योंकि भाई इतना प्रभास है, क्योंकि प्रभास भाई बाहुबली के बाद एक मेगा स्टार बन चुके हैं। उनकी कुछ आई हुई अभी हाल में मूवीज तो अच्छी नहीं चली, मगर वो खुद में ही बहुत ही ज्यादा ही अच्छे एक्टर है। तो काफी इधर उधर की बात हो गई और चलो कुछ बात कर लेते हैं आदि पुरुष के टीजर के ऊपर। तो चलो कुछ चीजों को पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाला हूँ इस ड्रैगन वाले सीन को। इस ड्रैगन वाले सीन को देखने के बाद मुझे लग रहा था मेले में मिला हुआ कोई खिलौना तो नहीं फिट कर दिया है, पूरे VFX और CGI की मार रखी है और भाई बजट तो आसमान छू रहा था, क्यों सारे पैसे प्रभास को दिए क्या। जैसे कि भाई सैफ अली खान और ये लंका वाला सीन, भाई लंका कब से इतनी डार्क हो गई, क्योंकि भाई सोने की लंका है, चमकनी ही तो चाहिए ना यार। एक और सीन है जब रावण की सेना दौड़ते हुए आ रही होती है, तो रियलिटी में बताऊं तो वो बस एक कार्टून लग रहा है, इससे बेहतर तो एनिमेशन भाई छोटा भीम का होता है। मैं मानता हूं अगर तुम्हारे पास बजट ना हो, तुम्हारे पास पैसे ना हो, तो तुम उन चीजों को नहीं दिखाना चाहोगे जिसमें तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर तुम उन चीजों को नहीं दिखाना चाहोगे जिसमें तुम्हारा बजट बढ़ जाए, तो तुम उन चीजों को बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक रखना चाहोगे। अगर तुम्हारे पास 500 करोड़ जैसा ह्यूज बजट है और इंडिया की सेकेंड एक्सपेंसिव मूवी होने वाली है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कुछ ग्रैंड लेवल का हो, कुछ अलग ही हो। 500 करोड़ भाई बजट है तुम्हारा और तुमने ये बनाया है, क्या ही कहूँ इस टीजर के बारे में। राम, लक्ष्मण, सीता, रावण, भाई इन चार कैरेक्टर्स को ओरिजिनली परफॉर्म किया जाएगा, बाकी सब कुछ VFX और CG पे भरा हुआ है। जब से इसका टीजर आया है तो भाई पूरी सोशल मीडिया में बवाल छाया हुआ है कि भाई 2011 में शाहरुख खान की मूवी रावण एक बहुत ही ज्यादा ही अच्छी मूवी हो सकती थी, हमने उसे भाई उतना इम्पोर्टेंस उस समय में नहीं दिया, अगर वो मूवी अब भी रिलीज होती ना तो भाई बवाल हो जाता, क्योंकि भाई उस समय के हिसाब से और उस बजट के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन काम किया गया था। पूरी कहानी ही नहीं थी, पूरी कहानी को देखने में मुझे मजा आया था। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस VFX और इस CGI को देखने के बाद और इस मूवी का बजट को देखने के बाद मेरे लिए रावण मूवी की इज्जत और भी बढ़ चुकी है। 2011 में वो मूवी आई थी और उस मूवी का अभी तक CG और VFX बहुत ही बेहतरीन है, और ब्रह्मास्त्र को लोग तो यूं ही बदनाम कर रहे थे, असली माल तो यहाँ पे था। बच्चों को देखने में ये बहुत ही ज्यादा मजा आएंगे, क्योंकि उन्हें तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है कार्टून देखने के बाद, मगर मेरे लिए ये बिल्कुल नहीं है। मुझे कुछ अच्छा देखना था, मुझे कुछ बेहतर उम्मीद थी, बोलना तो बहुत कुछ और चाहता हूँ मगर किसी और वीडियो में बोलूंगा। सो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।